आपके बिजनेस में आप मार्केटिंग एक्सपेंस हर महीने कितना करते हैं? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कैश फ्लो ट्रैकर बहुत ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन दिस वीडियो आई विल गिव अ फ्री टेम्पलेट फॉर मॉनिटरिंग योर कैश फ्लो इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। और मैं ये भी बात करूंगा कि आपके बिजनेस में आप कैश फ्लोज को कैसे मॉनिटर और बजट कैसे बना सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आई एम सी पीयूष बंसल। आई हेल्प बिजनेस ओनर्स ऑप्टिमाइज देयर बिजनेस एंड लाइफ। सो बिफोर आई टॉक अबाउट टेम्पलेट दैट वील बी यूजिंग, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक टेम्पलेट के फ्यू कॉन्सेप्ट इन रिगार्ड टू कैश फ्लो मैनेजमेंट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको आपके आपके कैश फ्लो मॉनिटरिंग को एकदम सिंपल रखने की जरूरत है। और फॉर दैट रीजन आप ये तीन चीजें कर सकते हैं। आप कम से कम आपके एक्सपेंस बजट रखें, बकेट्स रखें। जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली लोग 10, 15, 20, 25 बहुत सारे एक्सपेंस बकेट्स बना देते हैं और इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट उसको लिमिट करें 4, 5 या 6, मैक्सिमम 6 एक्सपेंस या रेवेन्यू बकेट्स में। सेकेंड, आप आपके बजट्स को या कैश फ्लो मैनेजमेंट शीट को हर हफ्ते नहीं, हर दिन नहीं, मंथली एक बार अपडेट करें और महीने में एक बार उनको रिव्यू करना जरूरी है। क्योंकि रिव्यू करने के बाद ही आपको पता चल सकता है कि रियल आपका क्या एक्सपेंस फ्लो रहा है और आपको नेक्स्ट महीने क्या चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, जो नेक्स्ट चीज़ अपन बात करेंगे दैट वुड बी बजटिंग के बारे में। नाउ आपके जो भी बकेट्स बनाए हैं आपने, यूजुअली मैं रिकमेंड करूँगा ये 6 बकेट्स जो है आपके परचेज एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंस। अब जिनके मैन्युफैक्चरिंग नहीं है वो परचेज हटा सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल में नहीं है, जो सर्विस में है वो सिर्फ लास्ट के 5 एक्सपेंस बजट यूज कर सकता है। सो ये जो भी बजट एक्सपेंस बकेट्स आपके बने हुए हैं उनको एक स्पेसिफिक परसेंटेज एलोकेट कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन टू सर्विस इंडस्ट्री, आपके सैलरी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है तो उसको आप 30-40% कंसिडर कर सकते हैं। 20% मार्केटिंग एंड सेल्स में दे सकते हैं, 20% आपके बिजनेस ऑपरेशनिंग एक्सपेंस में दे सकते हैं, रेस्ट आप पूरा आपके सैलरी पर्सनल सैलरी या प्रॉफिट के अंदर डाल सकते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिफाइन करें। एंड देर इज नो राइट एंड रॉन्ग परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज ऑफ बिजनेस पे है, आप किस स्केल पे है, आपकी बजट डिफाइन परसेंटेज डिफर होते रहेंगे। बट टू गिव अ सिंपल ट्रैक ऑफ इट, आप मंथली उसको रिव्यू करते रहिए और आपकी जो परसेंटेज है उसको आपके बिजनेस के हिसाब से ट्यून फाइन ट्यून करते जाइए। हैविंग सेड दैट, द थर्ड थिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इज आपने आपके कैश फ्लोज तो बना लिए, पर कैश फ्लोज का सबसे इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव होता है कि आप आपकी सेविंग्स टाइम पे कर सके और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखे। एंड फॉर दैट देर इज वन ह्यूमन कॉन्सेप्ट कॉल्ड आउट ऑफ साइट। तो जो पैसा आपके साइट में नहीं होगा आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप कोई मनी सेव करें या प्रॉफिट अर्न करें, उस प्रॉफिट को आप एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए जिसकी आपके पास एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड हो, जिसमें आपके नॉन नेट बैंकिंग हो ना कोई आपके पास अदर बैंकिंग सर्विसेज हो, जिससे आप उस पैसे उस रुपए को तभी इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसकी एक्चुअल जरूरत पड़े। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स जंप इनटू द गूगल शीट टेम्पलेट दैट यू कैन यूज फॉर मॉनिटरिंग योर कैश फ्लोज इन योर बिजनेस। So this is the tool that we'll be using, I'll be talking about. Now this has 2 parts to it. Pehla part hai jidhar aapke jo bank statement se aapko transaction either as it is copy paste karne hai. To aapki date, particulars, debit, credit or running balance. ये एक स्पेसिफिक 6 कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं जो आपके हर बैंक स्टेटमेंट में मिलते ही है। तो आपको ये वाला चीज़ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है इस टेम्पलेट में, जो आपको एज इट इज़ आपको ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस हुए है उसमें बता देगा। अब इसमें ये जो 2 ग्रे में है कॉलम्स में उसके अंदर आपको कुछ छेड़ना नहीं है, दैट इज़ फॉर्मूला ड्रिवन, जो आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का मंथ कैटेगराइज कर देगा, उसका एक नेट अमाउंट बता देगा वेदर इट्स अ रिसीट और पेमेंट। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अपडेट करनी पड़ेगी, विच इज़ अगर ये रिसीट है, क्रेडिट है, तो ये रिसीट मार्क करना है, और अगर ये एक्सपेंस है तो ये आपको पेमेंट मार्क करना है।
वंस यू डू दिस, एक नेक्स्ट सेकंड चीज जो आपको करने की जरूरत है, आपको एक अकाउंट क्लासिफाई करना पड़ेगा, वेदर इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, विच एक्सपेंस इट इज, सेल्स एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, सो ऑन. आप जैसे ही इसको हाईलाइट कर देंगे और इसको पूरा अपडेट कर देंगे, आपको ये ट्रैकर अपने आप अपडेट होता जाएगा. सो ये एक रेवेन्यू है तो मैं इसको रेवेन्यू वापस मार्क कर देता हूँ, एंड दिस इज हाउ इट विल कीप कमिंग इन. अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाल रखे है टू कीप अ चेक ऑन क्या परसेंटेज में मेरा खर्चा हो रहा है. से फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस एक्सपेंस में 10% का खर्चा हो रहा है, मेरे मार्केटिंग में 30% का हो रहा है, पर्सनल एक्सपेंस 25% हो रहा है, सैलरी 20% हो रहा है, सेल्स में 5% जा रहा है और मैं नेट 10% कमाई कर रहा हूँ. दैट इज़ अ वेरी सिंपल ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज योर बजट कैश फ्लोज गोइंग ऑन. अब ये जैसे ही मंथ ऑन मंथ आप ट्रांसफर करते जाएंगे, आपका ये कॉलम मंथ वाइज आपको आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखाता जाएगा. ये परसेंटेज मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये बस आपके रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से था. और आपको आपके बिजनेस में ये परसेंटेज बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड मंथ ऑन मंथ रिव्यू में कि आपका किस में ज़्यादा हो रहा है और किस में कम हो रहा है. और आपको ये परसेंटेज मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है. और जैसे मैंने लास्ट में बोला था, आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है, आप इंश्योर कीजिए उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाइए. आप जैसे ही ये करेंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी और आपके पास एक रियल मनी इकट्ठा होता जाएगा, विच कुड बी यूज एज इमरजेंसी फंड और टू फाइनेंस योर बिजनेस इन मेनी वेज. So this is a very simple video and giveaway video. Anyone who is interested in this template, you can download it from the link below. And if you like such videos where I talk about optimizing your business and life, जिधर आप आपके बिजनेस को सिंपल और ऑप्टिमाइज करने के छोटे छोटे सरल प्रैक्टिकल आइडियाज जानना चाहते हैं, तो आप एक लिंक पे नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे न्यूज़लेटर पे, जिधर आपको हर वीक एक न्यूज़लेट एक मेल आएगा विद अ स्पेसिफिक आइडिया ऑन ऑप्टिमाइजिंग अ बिजनेस. कोई क्वेश्चन है आपके, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड एंड आंसर योर क्वेरीज. थैंक यू.